हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट, आज हम सीख रहे हैं कि कैसे हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर, और कैसे हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं, अपेंड फंक्शन क्या काम आता है और एक्सटेंड फंक्शन क्या काम में आता है। ये पूरा हम इसी प्रोग्राम के अंदर सीख लेंगे, ठीक है? तो अच्छे से देखना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, बिग ब्रैकेट हम यूज करते हैं लिस्ट बनाने के लिए। जैसे एक एम्प्लॉय नाम के मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस, ये तो मैंने नाम लिख दिया। सबसे पहली बात कि जो लिस्ट होती है उसके अंदर हम जैसे सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर एरे होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी पाइथन के अंदर क्या होता है, लिस्ट होता है, जिसके अंदर हम अलग अलग डेटा टाइप्स के जो डेटा है वो एक साथ डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लासेस एक स्ट्रिंग है, और फिर मैं कॉमा लगा के यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने डाल दिया 1001, फिर कॉमा डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे एक जयपुर, एक और स्ट्रिंग डाल दी जयपुर के नाम से, ठीक है? ओके, उसके बाद स्टूडेंट एक और मैं लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने डिपार्टमेंट नाम की एक लिस्ट बना ली, ठीक है? डिपार्टमेंट इक्वल्स टू मैंने यहाँ लिख दिया एक डिपार्टमेंट, सपोज करो वो है सीएस, तो मैंने यहाँ पे सीएस लिख दिया, ठीक है? और इसका इसमें भी मैं कोई भी कोड डाल देता हूँ, जैसे डिपार्टमेंट कोड है 10, तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट कोड डाल दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इस लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा स्टूडेंट, मैं सीधा भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे यूज़ किया प्रिंट EMP, ठीक है? तो स्टूडेंट आप देखना कि आउटपुट क्या आता है। मैंने इसको सेव कर दिया पहले, सेव करने के बाद मैं इसको रन करके बता रहा हूँ आपको। जब मैंने इसको रन किया तो जो भी उसके अंदर डेटा था EMP के अंदर, वो पूरा का पूरा एज इट इज आ गया है, ठीक है? अब इसमें और आगे करके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? आप चाहते हो कि यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, जैसे कॉन्सेप्ट क्लासेस है तो कॉन्सेप्ट क्लास एम्प्लॉय का नेम लिखा हुआ आए, ठीक है? नेम आए, फिर डिपार्टमेंट आए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैसे करूँगा, मैं सपोज यहाँ लिख रहा हूँ, इसको तो मैं हटा देता हूँ प्रिंट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको एम्प्लॉय डेटा, ताकि एम्प्लॉय डेटा, ओके? तो मैंने ये एम्प्लॉय डेटा लिख दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि वो डेटा प्रिंट करवा रहा हूँ जो हमारे पास एम्प्लॉय के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रिंट, और सबसे पहले मुझे नेम प्रिंट करवाना है। सपोज ये कॉन्सेप्ट क्लास है, किसी भी एम्प्लॉय का नेम हुआ तो पहले वो प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा नेम, और मैं यहाँ लगाऊंगा स्टूडेंट परसेंटेज एस, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है? फिर मैं मुझे लिखना है उसका आईडी, तो मैंने यहाँ लिख दिया आईडी, और मैं इक्वल्स टू में लगाऊंगा यहाँ पे आईडी क्या है, आईडी क्या होता है, इंटीजर वैल्यू है, तो मैं यहाँ यूज करूंगा परसेंटेज डी, ठीक है स्टूडेंट? क्या यूज करूंगा, परसेंटेज डी यूज करूंगा, ओके? परसेंट डी यूज करने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ। कॉमा लगाने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सिटी, तो मैं यहाँ कर देता हूँ सिटी, ठीक है? सिटी में मैं क्या, सिटी क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ परसेंटेज एस यूज करूंगा, ओके? ये मैंने क्यों किया है, तो ताकि नेम के साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस आ जाए, आईडी के साथ आईडी इक्वल टू 1001 आ जाए, और जयपुर सिटी इक्वल टू जयपुर आ जाए, इसलिए मैंने यूज किया है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, सीधा प्रिंट हो जाता जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, लेकिन आप चाहते हो कि पहले नेम लिखा हुआ है, फिर कॉन्सेप्ट क्लासेस लिखा हुआ है, फिर आईडी के अंदर 1001 लिखा हुआ है, फिर सिटी के अंदर जयपुर लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम परसेंटेज यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? परसेंटेज यूज करने के बाद यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का ये जो है ये 0 पोजीशन पे है, जैसे एरे में होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे ये एम्प्लॉय के कॉन्सेप्ट क्लासेस जो है 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, और ये 2 पोजीशन पे है, ओके? तो मैं पहले 0 पोजीशन वाला यूज करता हूँ, ठीक है? तो मैंने 0 पोजीशन वाला यूज करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा EMP और बिग ब्रैकेट 0, ठीक है, कॉमा, फिर मैं करूंगा EMP बिग ब्रैकेट 1, प्रिंट करवाना है मुझे इसको, ठीक है? फिर मैं यूज करूंगा EMP बिग ब्रैकेट 2, ठीक है, इस पोजीशन पे। अब इसका आउटपुट देखना स्टूडेंट्स, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है? इसका आउटपुट देखते हैं अपन, ओके? एस, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, और इसको रन करके बता रहा हूँ मैं आपको। देखो इसके लिए लिखा है स्टूडेंट
नेम कॉन्सेप्ट क्लासेस, आईडी 1001 और सिटी जयपुर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें कैसे लिखना है इसको। ठीक है, इस तरह जितना भी डेटा आप सबका लिख सकते हो यहाँ पे। आपने एक और डेटा अगर यहाँ यूज़ किया है, जैसे आपने यहाँ पे यूज़ किया है राजस्थान, हाँ ठीक है, जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, तो ये राजस्थान हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये राजस्थान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहते हो कि यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है राजस्थान, तो आप यहाँ कॉमा लगाओ, यहाँ स्टेट लिखो। स्टेट लिखने के बाद ये लगाओ, स्टेट क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो परसेंट एस लगाओ। और परसेंट एस लगाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे लिख दो ईएमपी। कौन सी पोजीशन पे है राजस्थान? थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है आप प्रिंट कर दो। प्रिंट कर ही दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आउटपुट आएगा स्टेट राजस्थान। ठीक है, तो समझ आ गई बात कैसे किस तरह से हम करते हैं इसको। ओके, अब इसमें देखो स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें और सिखानी है मुझे। जैसे कि आपको लेंथ अगर मालूम करना है कि लेंथ क्या होगी इसकी, तो लेंथ भी हम मालूम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे लेंथ? देखो आप, मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे प्रिंट एलियन फंक्शन यूज करते हैं हम। कौन सा यूज? एलियन। तो देखो कलर चेंज हो गया, एलियन ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो प्री डिफाइंड फंक्शन में मैंने एलियन यूज कर दिया। एम्प्लॉय का मैं लेंथ मुझे पता करना है कि कितनी लेंथ है एम्प्लॉय की, ये फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके और इसको रन करके देखता हूँ। तो मैंने जब इसको रन किया तो यहाँ पे लेंथ बता दिया उसने 4, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर डेटा है कॉन्सेप्ट क्लासेस 1, आईडी 2, सिटी जयपुर 3 और स्टेट राजस्थान 4। ये जो है ये चारों मिलके क्या हो गए, कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। ओके ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपेंड। अपेंड मोड किस काम में आता है? अपेंड जो होता है फंक्शन किस काम में आता है स्टूडेंट? अगर हमें हमारी लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा जोड़ना है, ऐड करना है, एक सिंगल डेटा लास्ट में ऐड करना है, तो वो हम उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे अपेंड। अपेंड कब काम आता है? जब हमें कोई भी वैल्यू लिस्ट के लास्ट में ऐड करनी है। ठीक है, लिस्ट के लास्ट में ऐड करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे राजस्थान के बाद इंडिया ऐड करना है। ठीक है, राजस्थान के बाद इंडिया मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ मैं लिखूंगा ई एम पी, सॉरी यानी यहाँ मैं लिखूंगा ई एम पी और डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड लिखने के बाद मुझे जो भी ऐड करना है, सिर्फ सिंगल डेटा, सिंगल वैल्यू ऐड होगी स्टूडेंट अपेंड के अंदर, दो वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते, सिंगल वैल्यू ऐड होगी। तो यहाँ पे मैंने इंडिया लिख दिया और मैं यहाँ पे इसको कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के देखता हूँ, प्रिंट ई एम पी करवा के देखता हूँ। ठीक है, तो आप देखना क्या इंडिया ऐड हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने राजस्थान तक लिख रखा है, यहाँ मैंने इंडिया लिख रखा है। अब मैं रन करके देखता हूँ, तो मैंने जब रन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास, देखो इंडिया ऐड हो गया है यहाँ पे राजस्थान के बाद। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से हम इसको अपेंड फंक्शन यूज करते हैं और काम क्या आता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इंडिया के साथ साथ तो कोई कोड, जैसे कि इंडिया का कोड है 91, तो मैं प्लस 91 भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो और कंट्रोल एस करके रन करूंगा, तो मुझे एरर शो होगा। क्यों होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट एंड 2 गिवन। एक ही आर्गुमेंट ले सकता है, आपने 2 दे रखे हैं, तो एक ही आर्गुमेंट हम लिख सकते हैं इसके अंदर। बट आप चाहते हो कि एक की जगह मैं 2, 3, 4, 5 ऐड कर सकूं एक साथ, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्टूडेंट एक्सटेंड फंक्शन। क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड फंक्शन यूज करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, अब अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो और डेटा, मतलब आप चाहते हो कि एक डेटा मैं ऐड ना करूं, मैं एक से ज्यादा 2, 3, 4 डेटा ऐड करूं एक साथ, ठीक है, लिस्ट के अंदर। ठीक है, एलिमेंट्स कहते हैं इसको वैसे, लिस्ट के अंदर 2, 3, 4 एलिमेंट्स एक साथ अपन ऐड करें, तो क्या हम यूज करेंगे? एक्सटेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन से तो एक ही होगा, लेकिन अगर एक्सटेंड फंक्शन यूज करेंगे तो उससे हम ज्यादा डेटा डाल सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने, जैसे कि एक्सटेंड यूज करते टाइम याद रखना बिग ब्रैकेट यूज होगा स्टूडेंट। ठीक है, एक्सटेंड यूज करते टाइम बिग ब्रैकेट यूज होगा, अपेंड में बिग ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आवर स्ट्रिंग, इसलिए डबल कोट्स में आएगा, आवर बुक इज रिलीज्ड सून। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आवर बुक इज रिलीज्ड सून।
ठीक है, पाइथन की बुक रिलीज हो रही है स्टूडेंट्स, आप लोग जरूर उसको खरीदना, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर उसको देखना क्योंकि वो बहुत काम आएगी 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसके अलावा मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे एक और यूज करना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लासेस JPR@gmail.com। तो मैंने यहाँ लिख दिया अपना ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ स्टूडेंट, और रन 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 करके देख रहा हूँ, रन करके देख रहा हूँ, रन करके देख रहा हूँ। ठीक है, और मैंने प्रिंट नहीं करवाया था स्टूडेंट अभी, तो मैं यहाँ प्रिंट करवा के देखता हूँ। ठीक है, तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे EMP, और कंट्रोल एस करके इसको रन करके देख रहा हूँ। अब देखो क्या आता है आउटपुट, आउटपुट आ गया स्टूडेंट पूरा, पहले था इंडिया तक, अब इंडिया से के बाद ये भी आ गया, अवर बुक इज रिलीज सून, और ये भी ईमेल एड्रेस भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपेंड, एक्सटेंड और लेंथ मोड, लेंथ फंक्शन जो है यूज करते हैं लिस्ट के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दो, मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।